हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पबजी गेम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं और देख भी चुके होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे उम्र के लड़के 12 साल 13 साल के 15 साल के लड़के सब जो है यहाँ तक मैट्रिक इंटर पास किए स्टूडेंट भी सब जो है क्या करते हैं पबजी के चलते जो इतना पबजी में बिजी हो चुके हैं उस पबजी खेलने के चक्कर में दोस्तों उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। इनके चलते जो है पेरेंट्स पे प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स को जो है इनका परिणाम भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। इसके लिए जो है कुछ पेरेंट्स भी जो है लापरवाह है, जो अपने बच्चों को छूट दे रहे हैं, जो पबजी खेल रहे हैं, पबजी पे वो अपना पढ़ाई को जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इसके चलते जो है सारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। जो ये लॉकडाउन में समझिए आपका लगभग जितने दिन से भी लॉकडाउन अभी लगा हुआ है उस दिन से उस समय से जो बच्चे का पढ़ाई बिगड़ चुका है। ऑनलाइन भी पढ़ाई का व्यवस्था किया गया था लेकिन किसी ने ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके हाथ में फोन दे दिया गया और वो सिर्फ पबजी में ही बिजी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये पबजी बैन होने वाली है। मैं आप चाहता हूं कि आप सब कोई कौन पर है जो चाहते हैं कि पबजी बैन हो जाए, क्या अपने बच्चों का जीवन संवार सके, तो जो जो इस मेरे बात से सहमत है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में यस लिख के आप जरूर सेंड करें। तो चलिए हम छोटा सा न्यूज दिखाते हैं कि पबजी के साथ साथ कुछ और ऐप पे जो गेमिंग ऐप है ये सारी ऐप जो है बंद होने वाले हैं। जो न्यूज इंडिया पे जो न्यूज आया है आज का ही न्यूज है, चलिए मैं वो न्यूज दिखाता हूँ। और आप हमारे साथ है, आप चाहते हैं कि पबजी बैन हो तो आप हमें कमेंट में करें यस पबजी बैन होना चाहिए, तो कमेंट करें और इस वीडियो का शेयर करें फ्रेंड्स में और उन लोगों में शेयर करें जिनके यहाँ जो ज्यादा करके पबजी खेला जाता है, उनके पेरेंट्स को शेयर करें जो उस पबजी को बैन करने में जो है हमें सहमति करें। तो चलिए हम उस न्यूज को दिखाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पर जो है मेरे नए चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं जो है टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ, आज मैं इस पबजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो 12 13 साल 15 साल के, ये सभी बच्चे जो है पबजी का चलते जो आत्महत्या करते जा रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं क्या न्यूज है, उस न्यूज को आप पूरा लास्ट तक देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आपके साथ मैं हूँ अर्चना। टिकटॉक समेत 59 ऐप बैन करने के बाद अब केंद्र सरकार पबजी समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है। तो यानी एक तरीके से चीन पर और होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टिकटॉक समेत पहले ही आपको बता दें 59 ऐप ऐसे थे जिन्हें बैन कर दिया गया था, जिससे ये बताया जा रहा था कि आर्थिक तौर पर चीन को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका भी इसकी तैयारी में जुट गया था। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पबजी समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोग इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, 275 ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, अगर ऐसा होता है तो चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा।